अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजेनस किचन, जहां मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ डिलीशियस रेसिपीज़। तो आज हम बनाने वाले हैं आप गोश्त। तो आप गोश्त बनाने के लिए जो मसाले हमें चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए मटन, वाटर, साल्ट, ब्लैक कार्डिमम, ग्रीन कार्डिमम, सिनेमन, क्यूमिन, फिनल पाउडर, गर्म मसाला, ड्राइड फिनुग्रीक, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अनियंस, मिल्क एंड मस्टर्ड ऑयल। आप गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 किलो मटन लिया है। तो ये गया कुकर में मटन। इसमें हम डालेंगे पहले 2 से 3 गिलासेस पानी। स्टीम के टाइम पे हम इसमें साबुत मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, दालचीनी, ज़ीरा, काली इलायची और सब्ज़ इलायची। अब हम इसे 4 से 5 विसल तक कुक करेंगे। ध्यान रखिएगा कि मटन को हमें ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद हम इसे दूध में भी पकाने वाले हैं। तो चलिए कुकर खोल के देखते हैं कि मटन तैयार हुआ है कि नहीं। नहीं हुआ होगा तो एक और प्रेशर दे देंगे। ये परफेक्टली कुक हुआ है जैसा हमें चाहिए। तो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पर अलग से बर्तन में मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। इसमें हम डालेंगे प्याज और इन्हें हम करेंगे फ्राई। अभी इसमें हम डालेंगे जिंजर और गार्लिक पेस्ट। तो अब हम इसमें डालेंगे मीट और इसे हम करेंगे सॉटे। मटन को हमने सॉटे कर दिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे मटन ब्रॉथ। इससे जो मटन का फैट, उसके मसालों का फ्लेवर, वो सब इसमें आ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। मिल्क में 1 लीटर ले रही हूँ। मिल्क हम इसमें गर्म करके डालेंगे, क्योंकि ठंडा मिल्क फट भी सकता है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ पिसे हुए मसाले। तो मैं डाल रही हूँ सौंफ यानी कि फिनल पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी यानी ड्राइड फिनिग्रिक। नमक हमने इसमें स्टीम के टाइम पे ही डाल दिया था, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ। आप नमक अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब हम इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देते हैं। मटन ने अब अच्छे से सारे फ्लेवर खींच लिए हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी ठीक है। आप लोग अगर चाहो तो इसको और रिड्यूस करके जितनी ग्रेवी रखनी है वो आप रख सकते हो। तो चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए ये रही हमारी आज की रेसिपी। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।